हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम ऑन अकेडमी दिस इज मी टू मैम और ये है चैप्टर नंबर एट एन का सिक्स क्लास इससे पहले वाला चैप्टर जो थे उसमें हमने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी जो चैप्टर नंबर एट है इसमें हम बॉडी मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे सो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिख के है दैट इज अबाउट द लोको मोशन ठीक है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम प्लेस टू प्लेस जो ह्यूमन uh, बींग्स uh, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको हम लोको मोशन बोलते हैं ठीक है तो लोको मोशन बोलते हैं मूवमेंट मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को उसके बाद अगर हम लोको मोशन विद इन द ह्यूमन बॉडी देखेंगे ठीक है विदिन ह्यूमन बॉडी अगर हम लोग को मोशन देखेंगे उसमें सबसे पहले क्या आता है अगर ह्यूमन सिकल्टन की बात करेंगे जो डांचा होता है हड्डियों का डांचा होता है तो ह्यूमन सिकल्टन की अगर बात करेंगे इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी जो ह्यूमन सिकल्टन होता है जो बोन्स का बना होता है ये क्या करता है काम ये एक इंसान को शेप देता है बॉडी को शेप देता है और इवन सपोर्ट भी करता है ह्यूमन बॉडी को ठीक है इट कंसट ऑफ ट्वेंट टू हंड्रेड सिक्स बोन्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेनक्रियाज होता है लिवर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है और इसमें टू हंड्रेड सिक्स बोन्स होती हैं ठीक है थीके? तो जो अगर हम लोको मोशन विद इन द ह्यूमन बॉडी देखेंगे उसमें सबसे पहले हमें ह्यूमन स्कल्टन के बारे में पढ़ना है जो शेप देता है ह्यूमन बॉडी को और सपोर्ट भी करता है ठीक है तो इसमें टू हंड्रेड सिक्स बोन्स होते हैं और ये इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं जितने भी लिवर होता है पेनक्रियाज होता है ठीक है स्टोमक होता है अंदर से इन सब को क्या करता है इन सब को प्रोटेक्ट करता है उसके बाद अगर हम ह्यूमन uh, स्कल्टन की बात करेंगे उसमें सबसे पहले आता है skull, स्कल ठीक है क्या करता है, ये सबसे इम्पॉटेंट चीज़ आपको याद रखनी है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ब्रेन सिकल होता है जो हड्डियों का डांचा होता है लेकिन सर का ठीक है सिर के सिर में क्या होता है ब्रेन होता है तो इसके अंदर ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्शन देता है ये ये एक रिजिड बॉक्स होता है सिकल क्या होता है एक रिजिड बॉक्स होता है मेड अप ऑफ ऑफ प्लेट्स बोन फर्मली ज्वाइन टुगेदर तो इसमें जो ये डिफरेंट बोन्स होती हैं ये बिल्कुल मजबूती के साथ जोड़ी हुई होती हैं ये रिजिड बॉक्स होता है जो प्लेट्स ऑफ बोन की बनी हुई होती है ठीक है तो सिकल के अंदर ब्रेन होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है तो उसके बाद आता है रिब केज ठीक है इट इज़ फ्लेक्सिबल केस ऑफ रिब्स रिब केज जो होता है ये रिब्स का बना हुआ होता है ये भी लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ठीक है ईट रिब कर्व्स अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट फ्रॉम द बैक बोन एंड द ज्वाइंट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड स्टर्नम ठीक है तो जो रिब केज होता है ये रिब्स का बना हुआ होता है ये कर्ज जो होता है ये फ्लैक् होता है एक केस जैसा बना हुआ होता है तो आप देखोगे जैसे फ्रंट साइड से चेस्ट होता है बॉडी का यहाँ से ऐसे कर्वड होता है ऐसे दोनों साइड से कर्वड होता है ठीक है तो आगे ये फ्रॉम बैक बोन से ऐसे कर्व होता है आगे ये ज्वाइन करता है एक प्लेट जैसे बोन को जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं ठीक है रिब्स जो होती है रिब्स आर कनेक्टेड टू वन अदर बाय मसल्स रिब्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है किससे कनेक्टेड होती है मसल्स के साथ कनेक्टेड होती है ठीक है मसल्स से कनेक्टेड होती है टू लोअर मोस्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स जो सबसे uh, एक जो दो पेयर्स होते हैं ना जैसे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है जो नीचे वाले दो पेयर्स होते हैं ना रिब्स के दैट मीनस चार रिब्स इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं ठीक है थीके? इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स तो सबसे पहले हमने क्या देखा हमने ह्यूमन स्कल देखा उसके बाद हमने क्या वो, वो जो पूरा इंसान का हड्डियों का डांचा होता है उसके बाद हमने स्कल के बारे में पढ़ा कैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसके बाद हमने रिब केज का देखा जो कि फ्लेक्जिबल होता है जिसमें दो नीचे वाली जो दो पियर्स होते हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं उसके बाद है बैक बोन ठीक है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन और वर्टिकल कॉलम जो बैक बोन होता है ना ये देखो ये पीछे से इंसान की बॉडी है यहाँ से जो बैकबोन होता है ऊपर से नीचे तक वर्टिकली जो होता है इसको स्पाइन भी बोलते हैं ठीक है इट्स द चेन ऑफ स्मॉल वर्टिब्रेम क्या होते हैं ये जो पूरा कॉलम होता है ऊपर से नीचे तक इसमें छोटी छोटी बोन्स का बना हुआ होता है जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं ठीक है थीके? जो ऊपर से नीचे तक ये स्पाइन होता है बैक बोन होती है स्पाइन होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है यह छोटी छोटी बोन्स का बना हुआ होता है जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं इट प्रोटेक्ट द स्पाइन कॉड विच कैरीज मैसेज बिटीन द ब्रेन एंड बॉडी अब ये जो बोन होता है जो ये स्पाइनल स्पाइन होता है ये क्या करता है अंदर से काम ये स्पाइन कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसी से ही पूरा इंसान चलता है क्यों क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही कैरी करता है मैसेजेस जो न्यूरॉन्स होते हैं मैसेजेस कैरी करता है जो ब्रेन इसको मैसेज देगा ना बॉडी तक ठीक है बॉडी के पार्ट्स अगर ब्रेन बोलेगा कि हाँ पेन हो रही है तो बॉडी पार्ट में पेन होगा या बॉडी पार्ट में कोई कुछ चीज होगी तो वो ब्रेन को इंडिकेशन देता है तो ये काम कौन करता है ये स्पाइनल कॉर्ड ही करता है ठीक है इट ऑल्सो सपोर्ट द सिकल रिब्स एंड लिम्स ऊपर से स्पाइनल जो बैकबोन है ऊपर से सिकल इसी के साथ जुड़ा होता है रिब्स भी इसी के साथ जुड़े होते हैं लिम्स भी इसी के साथ जुड़े होते हैं तो ये आपस में सारा कनेक्टेड होता है ठीक है तो जो बैक बोन होता है उसको हम सुपाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं इसमें चेन ऑफ स्मॉल बोन्स से बना हुआ होता है जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं ये ये प्रोटेक्ट करता है सुपाइनल कॉर्ड को जो कि मैसेज कैरी करता है बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी ठीक है ये इट ऑल्सो सपोर्ट्स सकल रिब्स एंड लिम्स ठीक उसके बाद लिम्स लिम्स लम्ब् इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स विद जॉइंट्स दैट अलो दैम दे आर मेनली फॉर सपोर्ट लिम्स जो होती है ना ये बड़ी बड़ी बोन से बना हुआ होता है जो कि बीच में जॉइन करके होती है आपस में लेकिन ये मेनली क्या होता है आ, ये अलाओ करता है मूवमेंट अलो करता है क्यों क्योंकि इनमें जॉइंट्स होते हैं तो ये मेनली सपोर्ट के लिए होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म्स फोर आर्म्स इज़ मेड अप ऑफ टू बोन्स एंड हैंड्स हैव सिर्रल स्मॉल बोन्स शोल्डर बोन्व अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स इन फ्रंट एंड अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स तो आर्म्स जो होती हैं ना इसमें भी बहुत सारे बोन्स होते हैं uh, इसमें uh, दो बोन्स होती हैंड जो होते हैं हमारे हाथ होते हैं उसमें छोटे छोटे बोन्ते हैं जो शोल्डर बोन्ते हैं उसमें पहले तो पेयर ऑफ कॉलर बोन्स होते हैं आगे साइड से पीछे साइड से शोल्डर ब्लेड्स होते हैं है तो आर्म्स आती है किसमें लिम्स में आता है उसके बाद है लेग्स लोअर लेग इज मेड अप ऑफ टू बोन्स फीट हैव सेवरल स्मॉल बोन्स सेम जैसे आर्म्स में रहते हैं ना वैसे लेग्स में भी लोअर जो लेग होती है उसमें दो बोन्स का बना हुआ होता है फीट जो होते हैं उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं हिप बोन्स और ग्रेडल्स बियर वेट ऑफ द बॉडी एंड आर अटैचड टू थाई बोन्स जो हिप बोन्स होने होती है ना हिप बोन्स हिप में जो बोन्स होती हैं उनको हम ग्रेडल्स भी बोलते हैं पूरी बॉडी का जो वेट वेट होता है वही बियर करते हैं और ये आगे से थाई बोन्स के साथ अटैच होते ठीक है बात समझ में आ गई यहां तक इसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स जॉइंट्स होते हैं जॉइंट हम किसको बोलते हैं जहां पे दो बोन्स मीट करती हैं ठीक है थीकिए? जो जहाँ जहाँ पे दो बोन्स मिला के होती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं ये अलो करती हैं क्या मूवमेंट इसी की वजह से होता है जो जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में जो दो बोन्स मीट जहाँ पे करते हैं तो, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो हम मूवमेंट करते हैं बोन्स आर हेल्थ टुगेदर बाय लेगमेंट्स जब बोन्स को इकट्ठे किस वजह से हमारी बोन्स रहती हैं एक साथ और फिर ऐसे काम करती है क्योंकि इनको बांधा हुआ है किससे से से बात समझ में आ गई उसके बाद है आ, सबसे पहले हम देखेंगे मूएबल जॉइंट्स कौन होते हैं मूवेबल जॉइंट्स इट अलोज मूवमेंट बिटवीन बोन्स एंड हैव काटलेज बिटवीन देम तो इसमें क्या होता है मोएबल जॉइंट्स जो भी होते हैं ना ये जितने भी मोएबल जॉइंट्स होते हैं जो भी बोन् इनके साथ जुड़ी हुई होती है ये अलो करते हैं मूवमेंट को और इनमें काट काटलेज भी होती है ठीक है जो वो नरम वाली बोन ठीक है क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, मूवमेंट तभी पॉसिबल होगा ना जब अगर बहुत सख्त बो, हार्ड बोन होगी तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी ठीक है अब मूवेबल जॉइंट्स में क्या क्या आता है सबसे पहले आता है हिंज जॉइंट्स हिंज जॉइंट जो होता है ना इट अलो मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स ठीक है तो आगे पीछे आप कर सकते हो हिंज जॉइंट में एक ही मूवमेंट ये अलो करता है फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट्स नी जॉइंट्स जॉइंट बिटवीन द फ्लैंज ऑफ फिंगर्स एंड टोज ठीक है तो ये आगे पीछे आप मुह करा सकते हो उसको हम हिंज ज्वाइंट्स बोलते हैं उसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना उसको ये आपको परमिट uh, करता है सर्कुलर मूवमेंट के लिए फॉर एग्जांपल शोल्डर जो होता है आप शोल्डर चारों तरफ घुमा सकते हो ना तो सर्कुलर मूवमेंट के लिए आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ करता है उसके बाद एक ग्लाइडिंग जॉइंट्स ये आपके बोन्स को अलाओ करेगा टू स्लाइड अ लिटल ठीक है जैसे हमारे रिस्ट्स और फीट में अंदर से बोन्स हैं तो उनको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स बोलते हैं क्योंकि वो स्लाइड कर सकते हैं थोड़े से उसके बाद होता है पाएटल ज्वाइंट ज्वाइंट वेयर द नेक ज्वाइन हैड इट अलाउज हैड टू मूव बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड टर्न राइट एंड लेफ्ट तो पावोटल ज्वाइंट कहाँ पे होता है जहां पे नेक और हेड ज्वाइन करता है जैसे आप इससे इसकी वजह से क्या कर सकते हैं आप फॉरवर्ड को मूव कर सकते हैं बैकवर्ड मूव कर सकते हैं राइट और लेफ्ट ठीक है तो पावोटल में आप चार डायरेक्शन की ओर मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट और लेफ्ट लेकिन बॉल एंड सॉकेट में आप सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हैं जैसे शोल्डर में होता है और पावोटल होता है जो नेक आपका ज्वाइन करता है हेड के साथ उसके बाद होता है जॉइंट्स वो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं जैसे आ, स्कल में बोन्स होती हैं या जो जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द स्कल जो स्कल की बोन्स होती है ऑब्वियसली आपने देखा होगा कभी कोई मूवमेंट करते हुए बिल्कुल भी जो अंदर स्कल के बोन्स होती है वो मूव नहीं कर सकते हैं बात समझ में आ गई तो ये था ये हम पढ़ रहे थे लोको मोशन जो विद इन द ह्यूमन बॉडी होती है उसके बाद अगर हम दूसरे एनिमल्स में लोको मोशन देखेंगे तो सबसे पहले हम फिश का देखेंगे लोकोमोश मोशन अचीव बाई लेटरल कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर बॉडी विद अ फाइनल थ्रस्ट बाय द टेल फिश स्विम बाई फॉर्मिंग लूप्स ऑल्टरनेटिव ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली अगर आप लोको मोशन देखोगे फिश के उसके जो मस्कुलर बॉडी होती है ना उसकी वजह से फिश क्या करती है स्विम करती है ठीक है तो वो दो साइड्स ऑल्टरनेटली जो है लूप करती है उससे आगे जो टेल का थ्रस्ट उसको एक फोर्स मिलता है टेल से थ्रस्ट मिलता है है वो आगे जा सकती है और उससे वो स्विम कर पाती है तो वो मूव कर पाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे वेन द लार्ज फ्लाइट मसल्स कंट्रेक्ट दे पुल द विंग्स डाउन आपको पता है जब वो उड़ना चाहते हैं तो वो पहले विंग्स को डाउन पुश कर पुल करते हैं ठीक है थीके? तो ओबियसली उनके पास विंग्स होते हैं बर्ड्स के पास इसलिए वह लोकोमोशन कर सकते हैं वो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उसके बाद अगर स्नेल्स की बात करेंगे उनके पास एक मस्कुलर फुट होता है ठीक है जो मसल से बना होता है तो वो हेल्प करता है लोको मोशन में उसके बाद अगर हम अर्थ वर्म्स की बात करेंगे मूव बाई स्ट्रेचिंग आवर बॉडी इन फ्रंट एंड कीप द हिंड एंड फिक्सड टू द ग्राउंड तो जो पिछला वाला साइड होता है अर्थवर्म्स का वो ग्राउंड के साथ अटैच रखते हैं लेकिन आगे वाला साइड ऊपर उठा के फिर आगे आगे चलते हैं आपने अर्थवर्म को देखा होगा चलते हुए ये मूव करते हैं बॉडी बाई स्ट्रेचिंग ठीक है द बोन्स आर मूव ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलेक्शन ऑफ टू ऑफ मसल्स जो दो सेट ऑफ मसल्स होते हैं तो ये कंट्रैक्शन और रिलेक्शन की वजह से जो क्या करते हैं मूव करते हैं बोन जॉइंट्स ऑफ वेरियस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे एलो अब आपको बोन्स और उनके जॉइंट्स कैसे एलो करेंगे वैसे आप क्या करोगे वैसे आप उसी डायरेक्शन में आप आगे चल भी सकते हो और उसी से लोको मोशन भी पॉसिबल होता है ठीक है क्योंकि आपको पता है ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के अलावा बाकी एनिमल्स जो होते हैं वो भी मूव करते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्ट्रॉग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प बर्ड्स फ्लाई दे फ्लाई बाई फ्लैपिंग देयर विंग्स आपको पता है ये जो बर्ड्स होते हैं वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं तभी वो उड़ सकते हैं है ना तो अब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके होते हैं कुछ में मसल्स काम आते हैं कुछ में फ्लैक्बल बोन्स काम आते हैं कुछ में विंग्स काम आते हैं ठीक जैसे हमारे ह्यूमन में जॉइंट्स काम आते हैं स्नेल्स स्लाइट ऑन द i टू ग्राउंड बाई लूपिंग साइडवेज ए लार्ज नंबर ऑफ बोन एंड एसोड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड जैसे स्नैक्स क्या करते हैं वो भी वो भी क्रॉल करते हैं ना नीचे तो उनके उनमें भी लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोड मसल होते हैं उससे वो आगे आगे जा पाते हैं द बॉडी एंड लेग्स ऑफ काक्रोच है मसल ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विथ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स हेल्प द काक्रोच टू वाक एंड फ्लाई तो ऐसे ही काक्रोच में जो बॉडी एंड लेग्स होती हैं उनके उनमें कुछ हार्ड कवरिंग होती है जिसमें जो बनाते हैं था उनका आउटर सिकल्टन ठीक है जो मसल्स उनकी ब्रेस्ट की होती है ना वो तीन पेयर्स ऑफ लेग्स और टू पेयर्स ऑफ विंग्स से कनेक्टेड होती हैं जो कॉकरोच को हेल्प करती हैं फ्लाई करने में और चलने में ठीक है तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा हमने लोकोमोशन देखी और हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में भी सिकल का देखा जो है स्पाइनल सुपाइन, कॉर्ड का देखा बैकबोन का देखा उसमें वेटिब्रे कैसे होते हैं तो ये सारा कुछ आज हमने देखा बाकी I wish you all the best. Take very good care of yourself. We'll meet in another lecture. Until then, Allah Hafiz.